भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भांति एक और क्रांतिकारी तिकड़ी ने स्वाधीनता संग्राम में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वह तिकड़ी थी बंगाल के बादल गुप्ता, बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता। 1912 में जन्मे बादल गुप्ता के बचपन का नाम सुधीर गुप्ता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बादल गुप्ता कर लिया था, क्योंकि वह भारत माता की पावन धरती पर क्रांतिकारी गतिविधियों की वर्षा करना चाहते थे। बादल गुप्ता प्रसिद्ध क्रांतिकारी धरनीनाथ गुप्ता और नरेंद्र नाथ गुप्ता के भतीजे थे। 16 वर्ष की आयु में वह बंगाल के स्वयंसेवक समूह के कार्यकर्ता बन गए थे। बिनोय बसु का जन्म 1908 में हुआ था। उनके पिता रेवती मोहन बसु इंजीनियर थे। क्रांतिकारी हेमचंद्र घोष के प्रभाव में बिनोय मुक्ति संघ में शामिल हो गए थे, जो कि जुगांतर पार्टी के साथ जुड़ा संघ था। 1928 में वह बंगाल के स्वयंसेवक समूह के सदस्य बन गए। 1911 में जन्मे दिनेश गुप्ता भी बंगाल स्वयंसेवक समूह के सक्रिय सदस्य थे। स्वतंत्रता के दीवानों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात कारागार महानिदेशक N.S. सिम्पसन को सबक देने की योजना इन तीनों क्रांतिकारियों ने तैयार की। 8 दिसंबर 1930 को तीनों क्रांतिकारी मित्र यूरोपियन पोशाक पहनकर कोलकाता स्थित डलहौजी स्क्वायर्स की राइटर्स बिल्डिंग में घुस गए और सिम्पसन की गोली मारकर हत्या कर दी। बिल्डिंग में मौजूद पुलिस ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू हो गई। दिनेश गुप्ता और बिनोय बसु ने अपने आप को गोली मार ली। उन दोनों को घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया और देश के लिए प्राण त्याग दिए। उस समय बादल गुप्ता की आयु मात्र 18 वर्ष थी। ठीक 5 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1930 को ही अस्पताल में इलाज के दौरान बिनोय बसु की भी मृत्यु हो गई। दिनेश गुप्ता पर अभियोग चला और अगले वर्ष 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। 8 दिसंबर और 13 दिसंबर 1930 को भारत ने अपने दो होनहार सपूत खो दिए थे। समस्त IMC परिवार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गुड IMC। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।